Friends, today we are at IFEX. We are at the Triyam exhibition, which is held here from 10th of January to the 16th of January 2020. We have just interviewed the two artists, Dr. Varsha and Ashish, Ashutar, sorry. And now we have Dinesh ji. So Dinesh ji ka piche hamare piche dekh rahe hain ki ye jo hai green dikha rahe hain. So aapka kya, what is the बिल्कुल सबसे पहले नमस्कार, मैं दिनेश कुमार मौर्य, और हम बनारस से बिलोंग करते हैं, और हमने अपने चित्रों का माध्यम प्रकृति को लिया है, प्रकृति को दिखा रहे हैं, प्रकृति को लिया है, क्योंकि आज अगर देखें तो जिस तरह से कंक्रीट के जंगल फैल रहे हैं, हर शहर करीब 10 किलोमीटर आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा है वो कैसे जा रहा है, जंगल बन रहे हैं, वो कंक्रीट के जंगल है, हम अपने इस जो प्रकृति के जंगल थे उनको हटा के एक नया हम क्रिएट कर रहे हैं फॉरेस्ट, जो कि कंक्रीट से बन रहा है। तो हम अपनी चीज़ों को, अपने नेचर्स को कैसे दिखा सकते हैं, कैसे लोगों के बीच में उन चीज़ों को के साथ पहुंचते हैं कि हम अपनी चीज़ों को बचाएं। ये जो आपने पीछे पेड़ दिखाया है, इसके बारे में जैसे ये किस चीज़ का पेड़ है आप बताएंगे? ये बिल्कुल एजिट जैसे प्रकृति में दिख रहा है, वो तो सब देखते हैं, मगर हमने उसपे अलग से कुछ कोई पेड़ के सामने बैठ के इसको चित्र को बनाया है, जो हम वो देखते हैं, जो जहाँ पे हम रहते हैं, कहीं ना कहीं से आपके अंदर होती है, और हम उसको कला के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, और वो जो प्रकृति के रूपाकार है वो हमारे मन मस्तिष्क पे ऐसा असर डालते हैं कि वो हमको अभिभूत करते हैं, और हम अपने चित्रों के माध्यम से उसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत प्रकृति प्रेमी रहा हूँ, इन सब जगहों में जो जितनी पेंटिंग देखते हैं साथ में, इन सब सारी जगहों पे रहा हूँ, तो उनका एक निचोड़ मेरे चित्रों में एक्सेलेंट। और आप लोग की जो अभी हम लोग जिनके आपके साथ आए हैं बनारस से, उन लोग ने बताया मैडम ने कि आप लोग सब साथ में पढ़े हैं बनारस में। बिल्कुल, इसके पीछे बहुत अच्छी सी स्टोरी है कि हम लोग साथ में पढ़े हुए थे, मगर करीब 7-8 ईयर्स हम लोगों का गैप हो गया, और देन जब हम लोग मिले तो रीयूनियन होके हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट किया कि हम लोग काम करते हैं, चूंकि हम लोग तीन लोग हैं तो ये त्रियाम सबका एंगल अलग है, हमने नेचर्स को अडॉप्ट किया है, आशुतोष जी ने आत्मबुद्धा को पेंट किया बहुत ही अच्छे तरीके से, उनका प्रयास और उन्होंने जिस तरह से मतलब प्रकृति के रूपाकारों को जो आत्मज्ञान है वो कहीं ना कहीं से एक विशाल वट रूपी वृक्ष में समाहित है, और देखिए तो भगवान बुद्ध की बात करें तो उनको जो ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी वो विशाल वट वृक्ष के नीचे हुई। मैं इसलिए पूछ रहा था जो वृक्ष कौन सा है, उनका भी परसेप्शन है, बनारस घाट आप देख ही रहे हैं। मेरा हुआ बनारस जाना, मैं बनारस गया, मेरे फादर भी बनारस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे, उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग किया वहां से, तो मेरा जुड़ाव है वहां से, और मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं अगर जाके अपना कंट्रीब्यूशन दूं, तो शायद इसी माध्यम में ईश्वर ने मुझे आप लोगों से आज मिलाया। आप देखिए तो जो है तीनों चीजें बनारस को ही प्रेजेंट करती है, एक तरह से यहाँ पे नेचर्स है, वहाँ पे बुद्धा है, इधर काशी घाट है, वहाँ के अभी 3-4 दिन पहले हम लोग विज्ञान भवन में दिल्ली में थे, तो वहाँ पे भी आपके PHU के IIT के डायरेक्टर डॉक्टर जैन वो बैठे हुए थे, तो मैंने ऐसे ही उनसे जुड़ा, मैं तो पता चला कि वो डायरेक्टर है, काफी सिंबल्स वहाँ आपके दिखे, और कल हम लोग मालवीय जी का जो मालवीय भवन है वहाँ पे भी हम लोग गए थे, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि, तो आप लोग को मैं ले चलूंगा, दिल्ली में ITO के पास मालवीय मिशन वालों ने बनाया है जिसमें आप लोग जाइए, वहाँ पे साउंड एंड लाइट शो भी होता है, तो मतलब आप लोग का मैं समझ पा रहा हूँ जो बनारस के लोग हैं वो किस तरह से मतलब दूसरों को प्रेरित करते हैं। आप लोग की आगे चल के क्या प्लानिंग है 2020? आगे का प्लानिंग हम लोग का यही है कि जिस तरह के काम हम लोगों ने किया इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं, और इसमें हम चीज़ों को क्या ऐड कर पा रहे हैं, और इसी सीरीज को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप लोग तीनों साथ में एक रहेंगे त्रिमूर्ति, बिल्कुल त्रिमूर्ति बनके, उम्मीद करते हैं कि अनदर नेक्स्ट टाइम भी हम लोग त्रियाम के साथ आपके साथ। हाँ, हम लोग वही चाह रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इधर भूत आर्टिस्ट आते हैं,
वो वैसे तो ज्वाइंटली आते हैं लेकिन फिर कई बार वो अलग हो जाते हैं। हम लोग ने कलकत्ता आर्टिस्ट का भी शूट किया था जिसमें 12 आर्टिस्ट इकट्ठे आए हुए थे कलकत्ता से, लेकिन बाहर से आना दिल्ली में बड़ा मुश्किल है, सारी व्यवस्थाएं सब चीज। और आप दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे 2020 में, कोई संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे काम को आके आप देखें और बनारस के परिप्रेक्ष्य को नए तरीके से आपको अनुभव होगा हमारे चित्रों के माध्यम से। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप हम आपको ऐसी ही कला यात्रा को अब तक पहुंचाने का प्रयास करें। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो आर्टिस्ट हैं आप लोग आईफेक्स गैलरी आते रहिए, दिल्ली में जितनी भी आर्ट गैलरीज हैं दिल्ली वाले कम से कम थोड़ा सा अपना टीवी सीरियल छोड़ के यहाँ पे आए और आर्टिस्ट को थोड़ा सा मतलब उनको वो मिलता है। देखिए तो एक कलाकार के लिए कलाकृतियां बेचना ही महत्व नहीं है, जब उनके काम का अप्रिसिएशन मिलता है तो जिस समय वो कलाकृतियां बना रहा होता है वो काफी लंबी यात्रा होती है, मगर वो उतनी कम समय में पूरी हो जाती है जब कोई आप आके आप कलाकृतियां अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, समझते हैं तो अच्छा लगता है। और आप लोग ये सब मीडियम जो है कैनवस पे है ना? ऑन कैनवस है, ऑन पेपर भी है, पेपर भी है, वाटर कलर फ्लोइंग, तो भी हम लोग थोड़ा सा उसको शूट करेंगे तो वी विल शो द ऑन दैट। थैंक यू सर। स्मॉल पीकॉक है तो दैट इज एडिंग लाइफ टू द पेपर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ये त्रिवेणी में सॉरी आज आईफेक्स आर्ट गैलरी में आए हुए और त्रियम की एग्जीबिशन आपने अभी देखी है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत बढ़िया, जो दिनेश जी के नेचर सीरीज पेंटिंग है दे आर रियली वेरी मल्टीपल शेड्स ऑफ ग्रीनरी जो इन्होंने दिखाई है, इंस्पायर कर रहा है, एक्सीलेंट। देन वर्षा सिंह जी ने जो बनारस के घाटों को किया है द डिपिक्शन ऑफ स्टेप्स, हां जी दैट इज वेरी एक्सीलेंट गुड। और एक घाट जो उन्होंने दिखाया है यहाँ बोट एंड दैट इज वेरी विविड इन कलर, राइट सर। आप अपना परिचय भी दे दें। परिचय तो सब सिर्फ राकेश नाम लिखा, राकेश जी, राइट, धन्यवाद सर।